एशिया कप का चौथा मैच बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ये मैच होने वाला है जो कि आपको दोपहर में तीन बजे से होगा और इसी ग्राउंड पर यह मैच होगा यहाँ के मौसम की सबसे पहले बात करेंगे तो मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है टेम्परेचर भी लगभग ठीक ठाक रहने वाला होगा और उसके अलावा ह्यूमिडिटी भी आपको लगभग चालीस के आसपास की देखने को मिलेगी वैसे इस ग्राउंड पर टोटल सोलह वनडे मैचेस हुए हैं जिसमें कि अधिकतर टीमों को पहले बल्लेबाजी करके जीत मिली है और तीसठ परसेंट टीमों ने पहले बल्लेबाजी करके जीते हैं जबकि इक्कीस परसेंट बाद में बल्लेबाजी वाली टीम ने यहाँ पर मैच जीते तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले यहाँ पर बल्लेबाजी करने जाएगी चूंकि यहाँ पर दिन का मैच है और ये मैच दिन में होने वाला है तो इस वजह से यहाँ पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी होती है तीनों के मैचों में और पहले बल्लेबाजी वाली टीम को ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है वैसे इस ग्राउंड का अगर एवरेज स्कोर देखें तो वो दो रन पहली इनिंग का जबकि दो का एवरेज स्कोर सेकेंड इनिंग का नजर आता है जिसमें कि काफ़ी बड़ा अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसी वजह से जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी के लिए इस ग्राउंड पर जाएगी हाइएस्ट टोटल इस ग्राउंड का जिम्बॉम्बे और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर बना था जो कि तीन रन तीन विकेट के नुकसान पर उसके अलावा इस ग्राउंड पर पचहत्तर रन लोएस्ट स्कोर भी बना है जो कि श्रीलंका की टीम ने बनाए थे और हाइएस्ट चेस इस ग्राउंड पर तीन रन रहा है उसके अलावा दो रन को यहाँ पर डिफेंड भी किया गया यानी कि आसानी से बचा लिया गया था तो यहाँ पर अगर ढाई सौ तीन सौ रन भी बनते हैं तो उसको बचाया जा सकता है या उसे चेस किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान रहेगा वैसे इस पिच की बात करेंगे तो स्पिन और फास्ट बॉलिंग में दोनों में अगर देखा जाए तो स्पिनर्स को ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर रहता

तो पिछले जो तीन मैचेस यहाँ खेले गए जिसमें कि आयरलैंड वोमैन्स और पाकिस्तान वुमेंस के बीच में मैच हुआ था जिसे पाकिस्तान वोमैन्स ने बाद में चेस करके जीत लिया उसके अलावा उसी सीरीज का तीन मैच यहाँ पर खेला गया और तीन के तीनों ही मैच को पाकिस्तान वोमेंस टीम ने जीत लिए थे तो जो पिछला वोमेंस टीम का तीन मैच हुआ है उसमें से दो मैच बाद में बल्लेबाजी करके एक मैच पहले बल्लेबाजी करके यहाँ पर जीता गया है अब बात करेंगे दोनों टीमों के ओवरऑल पिछले पांच मैचों के परफॉर्मेंस तो बांग्लादेश ने जो पिछले पांच मैच खेले हैं उसमें से इस टीम को लगातार तीन मैचों में हार मिली और दो मैचों में इसने मैच जीते जिसमें कि अफगानिस्तान के खिलाफ और आयरलैंड के खिलाफ इसको जीत मिली थी और उसके अलावा अफगानिस्तान टीम के पिछले पांच मैचों की बात करें तो अभी रिसेंटली दस दिन पहले ही पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका में ही अफगानिस्तान की टीम को लगातार तीनों मैचों में हराया जिसमें कि दो मैच पालेकेल स्टेडियम और एक आर प्रेमदासा स्टेडियम में देखने को मिला था उसके अलावा अफगानिस्तान और बांग्लादेश का जो सीरीज चल रहा था वहां पर बांग्लादेश के खिलाफ इसे हार भी मिली है और बांग्लादेश के खिलाफ इसे जीत भी मिली तो इस तरीके से अफगान का पिछले पाँच मैचों में परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल पिछले दस मैचों में दोनों टीम के परफॉर्मेंस देखें तो अफगानिस्तान ने चार मैच जीते जबकि बांग्लादेश ने छः मैच जीते हैं और ये जो पिछला तीन मैचों का सीरीज हुआ है दोनों टीमों के बीच में ये जुलाई में अभी रिसेंटली खेला गया था जो कि पाँच जुलाई आठ जुलाई और ग्यारह जुलाई को दोनों टीमों के बीच में ये मैचेस रहे इन तीनों मैचों का समरी देख करके हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा प्लेयर कॉमन होगा जिसे हमें पिक करना है और हेड टू हेड में कौन सा प्लेयर यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो एक एक प्लेयर पर ध्यान से आपको नजर रखनी है अफगानिस्तान ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करी एक पे ऑल आउट हो गई थी और अजमतुल्ला ने यहाँ पर छप्पन रन बनाए थे अजमतुल्ला ने बाईस रन बनाए थे बांग्लादेश की तरफ से मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने चार विकेट और तस्किन अहमद को दो विकेट मिला था उसके अलावा बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास ने तिरपन रन बनाए थे लेकिन लिटन दास इस समय अफसन से वो खेलेंगे नहीं साकिब अल हसन ने उनतालीस रन बनाया था फजालत फारूकी को दो विकेट मोहम्मद नबी को एक विकेट मिला था जो जिसका मैच रहा था उस मैच में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करी और तीन रन का विशाल स्कोर लगाया उसमें रहमान उल्ला गुरबाज ने एक बनाए इब्राहिम जादरान ने सौ रन बनाए थे साकिब अल हसन को दो विकेट मिला मेहदी हसन मिराज ने दो विकेट लिए मुस्तफ़ीजुरहिम ने बांग्लादेश की तरफ से सिक्सटी रन बनाए साकििब अल्सन

अफगानिस्तान की जो टीम रही वो तिरासी रन बना सकी थी और बारिश से बाधित मैच था उसके अलावा जातरान की बात करें तो इब्राहिम जातरान ने इकतालीस रन बनाए थे रहमान उला गुरबाज ने 22 रन फिर से यहां पर स्कोर किया था पिछले मैच में सेंचुरी की थी शाकिब अल हसन ने फिर से यहां पर विकेट निकाले तस्किन अहमद ने भी विकेट निकाले तो ये जो कॉमन प्लेयर आपको कुछ यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे वो हेड टू हेड में अच्छा परफॉर्मेंस किया जिसमें शाकिब अल हसन रहमान गुरबाज मुजीबुर रहमान तस्किन अहमद ये सारे प्लेयर शामिल हैं ओवरऑल पिछले दस मैचों की बात करें तो बांग्लादेश ने यह पिछले दस मैच खेले उसमें से छह मैच जीते 212 का एवरेज स्कोर तीन का हाईएस्ट और 102 का लोएस्ट स्कोर बांग्लादेश की टीम का नजर आता है जबकि अफगानिस्तान ने जो पिछले दस मैच खेले उसमें सिर्फ तीन मैचों में जीत मिली है और लगातार मैचों में से हार भी झेलना पड़ा है पिछले चार मैचेस लगातार हारी है एवरेज स्कोर एक का अफगान की टीम का जबकि तीन का हाएस्ट और 59 का लोएस्ट स्कोर जो कि अभी पाकिस्तान के खिलाफ ही रिसेंटली पालेकल स्टेडियम में इसने बनाया था अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों टीमों के स्क्वाड की तो वीडियो पॉज करके आप दोनों टीमों के स्क्वाड चेक कर सकते हैं ये अफगानिस्तान की स्क्वाड है और ये आपकी दूसरी बांग्लादेश की स्क्वाड है दोनों को आप आराम से यहाँ पर चेक कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं बात करेंगे कौन कौन से प्लेयर हम रखने वाले हैं कौन कौन सा प्लेयर यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा जीएल की टीम क्या हो सकती है और हेड टू हेड एस की टीम क्या हो सकती है इब्राहिम जादरान का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है हेड टू हेड में भी ये बंदे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया ओवरऑल पिछले दस मैचों में पाँच रन बना चुका है बासठ का बहुत ही बेहतरीन एवरेज और अट्ठासी का स्ट्राइक रेट है और इसने अभी रिसेंटली दो मैच पहले ही बांग्लादेश के खिलाफ बहुत ही जबरदस्त सेंचुरी भी लगाई थी उसके अलावा रहमानुल्ला गुरबाज ने भी सेंचुरी लगाई है बांग्लादेश के खिलाफ अभी जुलाई के महीने में दस मैचों में तीन सौ छिहत्तर रन बना चुका है पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी वहाँ भी इसने सेंचुरी लगाई थी उसके अलावा नजीबुल हुसैन की बात करें नजीबुल हुसैन आपके इम्पोर्टेंट प्लेयर्स यहाँ पर होंगे बांग्लादेश की तरफ से और मुस्तफिजुर रहीम भी इम्पोर्टेंट होने वाले दोनों का परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक रहा बॉलिंग में बात करें तो फजालक फारूकी हर मैच में बांग्लादेश के खिलाफ विकेट निकालता है और जो तीन मैचों की सीरीज हुई थी वहाँ पर हाईएस्ट विकेट टेकर भी था मुजीबुर रहमान ने भी लगभग हर मैच में बांग्लादेश के खिलाफ विकेट निकाले हैं इसका भी ओवरऑल दस मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उसके अलावा हसन मोहम्मद की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है अहमद ने ही लगातार विकेट निकाले जो कि मैंने अभी हेड टू हेड में आपको बताए ही अब अब कौन कौन से प्लेयर्स जबरदस्त तरीके से हम पिक कर सकते हैं तो उसमें विकेट कीपर के तौर पर हमें अफगानिस्तान की टीम की तरफ से रहमान उल्ला गुरबाज को रखना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ जो दूसरा वनडे मैच था वहां शानदार इसने परफॉर्मेंस किया था बहुत बेहतरीन पारी एक सौ इक्यावन रनों की देखने को मिली थी उसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ भी ये सेंचुरी लगा चुका है तो ये बहुत बेहतरीन प्लेयर होने वाला है और हेड टू हेड के लिए इसको आप कैप्टन कर सकते हो उसके अलावा बात करेंगे जो बैटर्स होने वाले हैं तो तीन बैटर्स हम यहाँ पर रखेंगे उसमें से रियाज हसन को आपको टीम में रखना चाहिए नजीबुल हुसैन शैंटो को आपको टीम में रखना चाहिए इब्राहिम जादरान को टीम में रखना चाहिए नजीब शाकिब फिर से आपको चलते नजर आएंगे पिछले मैच में मैंने इनको कैप्टन करने के लिए कहा था और इसने 89 रन बनाए थे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस श्रीलंका के खिलाफ देखने को मिला था और इस मैच में भी ये बंदा चलेगा तो इसको आपको हेड टू हेड में वाइस कैप्टन करना है जबकि रहमान उल्ला गुरबाज को हेड टू हेड में कैप्टन करना है अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जो हमारा ऑलराउंडर चार होने वाला कौन कौन सा होगा तो साकिब अल हसन आपको बांग्लादेश की तरफ से एक ऑलराउंडर मिल जाएगा साकिब का अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला और अफगान के खिलाफ हमेशा ये विकेट निकालता नजर आया आप यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हैं उसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ भी अभी रिसेंटली दो मैच लिया एशिया कप के दूसरे मैच में उसके अलावा मोहम्मद नबी की बात करें तो इसका भी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ अभी श्रीलंका में अच्छा परफॉर्मेंस था और रिसेंटली परफॉर्मेंस भी मोहम्मद नबी का ठीक रहा है और हम जो ग्रैंड लीग में कैप्टन करने वाले हैं वो साकिब अल हसन को कैप्टन करेंगे और वाइस कैप्टन हम मोहम्मद नबी को ग्रैंड लीग में करने वाले हैं उसके अलावा बात करेंगे दोनों के बल्लेबाजी तो दोनों की बल्लेबाजी भी लगभग ठीक ठाक रही है मेहदी हसन मिराज की बात करें तो मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश की तरफ से एक और बेहतरीन ऑलराउंडर होने वाला इसका भी रिसेंटली मैचों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला उसके अलावा गुलाम गुलाबुद्दीन नबी ये बहुत बेहतरीन प्लेयर होने वाला है इसको टीम में मौका मिला था पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे मैच में और वहाँ पर दो विकेट निकाले थे इकॉनमी भी काफ़ी अच्छी रही सिर्फ छत्तीस रन खर्च किया था तो इस तरीके से इसका परफॉर्मेंस देखने को मिला बल्लेबाजी में बात करें तो अभी तक गुलाबद्दीन का उतना अच्छा बल्लेबाजी रहा नहीं है लेकिन ये बेहतरीन ऑलराउंडर है मेहदी हसन मिराज का बल्लेबाजी में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रिसेंटली मैचों में देखने को मिला तो ये बेहतरीन होने वाला है उसके अलावा बॉलिंग में हम चार बॉलर रखने वाले जिसमें कि अफगान के तरफ से दो और बांग्लादेश की तरफ से दो रखने वाले में तंजीब हसन साकीब को रखने वाले हैं इसका रिसेंटली मैचों में आप देखो तो बहुत बेहतरीन रहा अफगान एक के खिलाफ ही तीन विकेट इसने निकाले थे और बेहतरीन प्लेयर है इसको टीम में मौका मिलेगा तो जरूर आप टीम में कर सकते हो मोहम्मद शरीफुल को आप टीम में कर सकते हैं यह भी बेहतरीन इस समय परफॉर्मेंस करता नजर आया आखिरी जो अफगानिस्तान के खिलाफ मोहम्मद शरीफुल ने खेले थे वहाँ चार विकेट लिया था सिर्फ इक्कीस रन दिए थे तो रिसेंटली फॉर्म इसका बहुत अच्छा है और अफगान के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस भी करता है उसके अलावा अफगानिस्तान की तरफ से मुजीबुर रहमान को आप टीम में कर सकते हो फजाल फार्फी को टीम में कर सकते हो ये दोनों मस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होने वाले हैं और अफगानिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की, की तरफ से बांग्लादेश के ख़िलाफ़ इनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी ठीक ठाक रहा है रिसेंटली मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस किया फजालक फारूकी ने भी अच्छे खासे विकेट्स निकाले अभी रिसेंटली मैचों में तो इसको भी कर सकते हैं एक एक्स्ट्रा प्लेयर आपको यहाँ पर राशिद खान को रखना है राशिद खान आपको लगभग छः या सात नंबर पर बल्लेबाजी भी देगा उसके अलावा विकेट भी निकाल सकता है चूंकि पिच पर स्पिन काफ़ी ज़्यादा होगी लगभग साठ से पैंसठ आपको स्पिन को मदद रहेगी तो ऐसे में अगर जो पहले बॉलिंग अफगानिस्तान की आती है तो राशिद खान को हर हाल में आपको टीम में रखना है लेकिन अगर बाद में बॉलिंग आती है अफगानिस्तान की टीम को तो फिर वहाँ पर राशिद खान को आपको टीम में थोड़ा सा इग्नोर कर देना है तो इस तरीके से ये टीम होने वाली फाइनल टीम मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ जो हेड टू हेड की है बाकी जो मैन टीम होगी वो टॉस होने के बाद प्लेइंग इलेवन आने के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूँगा तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करके रखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मेरे चैनल पर मिल जाएगा और तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए